सारे नु मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं अमनदीप प्रैप पिंड सरी तो तुहाडा सब दा वेलकम करती है मेरे चैनल कुकिंग विद फतेज माम ते। सो फ्रेंड्स, अज मैं तुहाडे नाल रेसिपी शेयर करन जा रही हां बेसन दे गट्टे। गट्टे असी लास्ट वीडियो च बना लए सी, हुण असी इहदी सब्जी तैयार करांगे। सो ज्यादा टाइम ना लेंदे होए स्टार्ट करदे अपनी अज दी रेसिपी। जेकर तुसी मेरियां वीडियोस देखना पसंद करदे हो मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करो। मेरियां नवीं आने वाली वीडियो सब तो पहला देखने लई बैल आइकन नूं प्रेस करना ना भुल्लियो। हुण सब तो पहला असी इत्थे सॉस पैन दे विच पानी लिया, उस च थोड़ा जिहा उबाल आना शुरू होया ते असी उहदे विच गट्टे पावांगे जिहड़े असी लास्ट वीडियो च तैयार कर लए सीगे। हुण असी हाई फ्लेम दे उत्ते गट्टियां नूं 10 तों 12 मिनट लई चंगी तरह बॉयल कर लवांगे, जिहदे नाल कि थोड़े सॉफ्ट हो जूगे क्योंकि फ्राई करके असी इन्हां दा सारा मॉइस्चर खत्म करता सीगा। फ्लेम नूं असी हाई तो मीडियम दे विच रख सकदे हां। लास्ट वीडियो च मैं तुहानूं दस्या सी कि जे तुसीं गट्टियां नूं फ्राई नहीं करना ते नाल दी नाल बनाउणे आ ते उस टाइम जिवें तुसीं हुण गट्टियां नूं बॉयल असी इत्थे करदे आ उवें बॉयल करके ते सिद्धा बस सब्जी बना लिओ, उहनां नूं फ्राई ना करिओ। गट्टियां नूं 10 तों 12 मिनट ताईं बॉयल करन दे बाद हुण असी इत्थे चैक कीता, गट्टे सॉफ्ट हो चुके आ, गट्टियां कट्टे जांदे आ ईजीली। हुण असीं फ्लेम नूं बंद कर देवांगे ते पानी दे विच्चों सारे गट्टे कढ के किसे प्लेट या स्ट्रेनर दे उत्ते पा लवांगे। पर जिहड़ा आह वाला पानी आ असीं इहनूं सुटना नहीं गा, सब्जी बनाउण च असीं इहनूं कम लवांगे क्योंकि इस पानी दे विच मसालियां दा काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर आया हुंदा ते उहदे नाल साडी सब्जी दा टेस्ट होर ज़्यादा वध जांदा आ। गट्टियां नूं असीं साइड ते रखदे आ और तड़का बनाउणा असीं शुरू करदे आ। उहदे लई असीं इत्थे कढ़ाई दे विच सब तों पहलां लै रहे कुकिंग ऑयल और ऑयल गर्म होने ते 1 टीस्पून पावांगे जीरा। जीरा साडा चंगी तरह चटक चुकिया। हुण असीं इहदे विच ऐड कीतियां 3 तों 4 सुकियां लाल मिर्चां, जे है नहीं तुसीं स्किप कर सकदे हो पर राजस्थानी फूड च पाइयां जांदियां। नाल ही असीं इत्थे थोड़ी जी हिंग पाउडर पाया। हुण तिन्नां चीज़ां नूं असीं थोड़ा जिहा भुन लिया ते इहदे विच ऐड कर रहे हां इक मीडियम साइज़ दा अनियन ग्राइंड कीता होया। अनियन नूं तुसीं जमा ब्रीक कट के भी पा सकदे हो पर ग्रेवी उन्नी ज़्यादा वधिया नहीं बनती जिन्ना ग्राइंड करके बनती आ। सो हुण अनियन नूं असीं थोड़ा जिहा भुन लवांगे 3-4 मिनट लई या जदों तक इहदा कलर नहीं चेंज हो जाता और अनियन दा सारा पानी नहीं सुक जाता। अनियन साडा वधिया भुज गया। हुण असीं इहदे विच ऐड करांगे टमाटर, लसन ते अदरक। तिन्नां नूं मैं इकट्ठा ग्राइंड कर लिया सी, नाल ही हरियां मिर्चां भी 2 पा लईआं सी। मिर्चां तुसीं आपदे टेस्ट दे अकॉर्डिंग पा लिओ जिन्ना क तिखा खाना तुहानूं पसंद आ। और लसन अदरक दा तुसीं अड्ड तों पेस्ट भी बना के पा सकदे हो पर टमाटर दे नाल ग्राइंड करना थोड़ा जिहा ईजी हुंदा। हुण असीं इहदे विच ऐड कर रहे हां 1 टीस्पून सॉल्ट या अकॉर्डिंग टू टेस्ट पा लिओ। सॉल्ट पहलां पाउण नाल टमाटर ते प्याज थोड़ा पानी छड्ड दूगा और तड़का साडा जल्दी भुज के तैयार हो जांदा आ। फ्लेम नूं तुसीं मीडियम टू हाई दे विच या जिवें भी तुहानूं पसंद आ रख सकदे हो। हुण असीं इहदे विच पा रहे हां 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ी जी मैं लाल मिर्च पाउडर पा रही हां और नाल ही असीं पावांगे 1 वड्डा चम्मच भर के लाल कश्मीरी मिर्च जो कि बिल्कुल तिखी नहीं हुंदी। और नाल ही असीं इत्थे पावांगे थोड़ा जिहा गरम मसाला। सारियां चीज़ां नूं हुण असीं चंगी तरह मिक्स कर लैंदे हां और मसालियां नूं असीं हुण चंगी तरह भुन लवांगे। और मसालियां नूं हुण असीं उदों तक भुनना जदों तक मसाला साडा तेल नहीं छड्ड दिंदा। और मसाले नूं नमक मिर्च पाउण दे बाद फिर आपां लगातार हिलाउंदे ही रवांगे क्योंकि उहदे बाद इह बहुत छेती नीचे लग जांदा आ। लो जी, मसाला साडा भुज चुकिया। जिवें कि तुहानूं साइडां ते दिख रिहा होगा कि थोड़ा तेल बाहर आउणा शुरू हो चुकिया। हुण असीं इहदे विच ऐड करांगे 1 कप दही। दही पाउण दे नाल गट्टे दी सब्जी दा फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा वधिया आउंदा आ। वैसे तुसीं दही दे बिना भी बना सकदे हो पर दही दे नाल गट्टे दी सब्जी एकदम ट्रेडिशनल तरीके नाल बहुत ही वधिया स्वाद बनूगी। और दही पाउण दे बाद पर आपां नूं तड़का लगातार हिलाउंदे रहना पैणा आ। और जिहड़े गट्टियां नूं असीं उबालिया सी ओह वाला पाणी हुण असीं ग्रेवी दे विच पावांगे। गट्टे पाउण दे बाद असीं चैक करके बाकी बचिया होया पानी पा सकदे हां जिन्ना क सानूं जरूरत होवे सब्जी च। और हुण असीं ग्रेवी दे विच जिहड़े गट्टे बॉयल करके रखे सी ओह पावांगे। पानी इच होर थोड़ा जिहा पै जूगा, आपां बचिया होया सारा पानी भी विच ही पा लैणा आ। 1
एक बार तुहानू दही पाउण दे बाद लग रहा होगा कि सब्जी का कलर वधिया नहीं आ रहा, पर जदों सब्जी साडी रिज जूगी कलर बहुत सोहना हो जूगा। इत्थे असी थोड़ी कसूरी मेथी पाउणा भुल गए सी, कसूरी मेथी पा के फिर कवर करके असी पकावांगे। सब्जी च उबाल आउणा स्टार्ट हो चुकिया, पर हजे असी इहनू 10-15 मिनट लई चंगी तरह उबालांगे। सब्जी च दही पाउण करके सानू सब्जी दे उपर ग्रेवी ते काफी तेल दिखना शुरू हो जांदा, क्योंकि दही दे विचों जिहड़ा घिओ निकलदा आ ओह सारा सब्जी दे उपर आ जांदा। देखण च तां सब्जी साडी एकदम तैयार लग रही आ, पर असी फिर भी इहनां नू चैक करांगे कि गट्टे साडे एकदम सॉफ्ट हो गए आ, ग्रेवी ओहदे अंदर तक अब्जर्व होई आ कि नहीं। हुण इस तरीके तुसी कोई भी एक पीस लै के ओहनू स्पून दे नाल कट के देख लिओ। जिवें कि तुसी देख रहे हो कि साडे गट्टे अंदर तक वधिया तरीके नाल पक चुके आ, एकदम सॉफ्ट आ। सो इत्थे करदे आ अज दी वीडियो दा एंड, पर तुसी भी एक बार जरूर ट्राई करके देखियो, बहुत ही ज्यादा स्वाद सब्जी बनती आ। इनग्रीडियंट भी बहुत ही ज्यादा सिंपल आ, जो कि हर किसी दी किचन च अवेलेबल हुंदे आ, और एक बार तुसी काफी सारे गट्टे बना के स्टोर कर सकदे हो, और जदों भी जरूरत होवे ते इहनां दी सब्जी बनाओ या कढ़ी दे विच, जदों कढ़ी नूं असी उबालदे हुंने आ ओहदे विच पा लो, आपे ही सॉफ्ट हो जाणे आ गट्टे। सो जे तुहानूं अज दी वीडियो पसंद आई लाइक ते कमेंट करके जरूर दस्सियो। हले तक चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता ते चैनल नूं भी सबसक्राइब करियो। जल्दी मिलांगे एक नवी वीडियो दे नाल, तद तक लई सत श्री अकाल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।